स्टूडेंट्स ऑलरेडी वी आर स्टार्टेड चैप्टर नंबर 8 इन स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इन दैट वी आर ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल एंड नाउ वी स्टडीड अबाउट द यूकैरियोटिक सेल इन दैट वी फर्स्ट कंप्लीटेड द सेल मेम्ब्रेन एंड अबाउट सेल वॉल And now let us we start with the organelles that are normally present in within a cell. So this organelle has to be divided into two. Number one, हम number one divide करते हैं endomembrane system. So let us we understand about endomembrane system. So certain organelles are to be kept into endomembrane system and certain organelles are not to be included in endomembrane system. तो पहले हमको समझना है कि what is endomembrane system? ये endomembrane system क्या होता है? And which are the organelles that included in endomembrane system? First of all, I am talking about, as we know about endomembrane system, so normally all organelles distinct in terms of their function and structure. के जो भी organelles हैं normally सारी organelles कौन सी आपको मालूम है मैंने पहले ही आपको बताया कि organelles हम पहले तो दो में divide करते हैं membrane bound organelles non-membranal organelles that you already know. और ये सारी ऑर्गेनल्स अपने फंक्शंस एंड स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चर्स में डिफर करती है बट सेवरल ऑर्गेनल आर ओरिजिनेटेड यूजुअली वन बाय वन डिपेंड ऑन दैट डिपेंड्स ओरिजिनेटेड यूजुअली डिपेंड्स ऑन with respect to cell division and their functions. Are normally interrelated. And interrelated, such a organelles to be included into membrane bound, मतलब endomembrane system. चलो इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसी ऑर्गेनल्स है जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है एंड वो ऑर्गेनल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के ही टाइम पे डिवाइड होती है मोस्टली आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ऑल बट मोस्टली कि सेल डिवीजन के टाइम पे ही वो डिवाइड होती है और उसके जो फंक्शंस है वो नॉर्मली एक दूसरे से क्या है इंटर रिलेटेड है मतलब कनेक्टेड है तो ऐसी ऑर्गेनल्स का जो समूह है ऐसी ऑर्गेनल्स है जो उसको हम किस में प्लेस करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्लेस करते हैं तो व्हिच ऑर्गेनल टू बी कैप्ट इन अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो एग्जांपल ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनल्स जिसको मैं शॉर्ट में आपको याद रहे उसके लिए मैं ESO का शॉर्ट फॉर्म देता हूँ ESO का मतलब यहाँ पर निकालेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनल्स EOS कर सकते हैं
अब कौन सी ऑर्गेनल्स हैं, विच ऑर्गेनल्स आर टू बी कैप्ट इन टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, के जिनके फंक्शन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो ऐसी ऑर्गेनल्स कौन सी है, सबसे पहले आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कहते हैं ईआर। ईआर से ही जो निर्मित होती है और यहां पर जो सब्सटेंसेस बनते हैं उसका पैकेजिंग, वंस मोर इसका पैकेजिंग, पैकेज मतलब आपको समझ में आता है कि जो भी चीज है वो उसको पैकेज करना, मतलब के स्टोर करना और उसमें जरूरी बदलाव करना, पैकेजिंग एंड चेंजेस टू बी अकर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स सब्सटेंसेस, जो ये सब्सटेंस बनाएगा उसका जो पैकेजिंग है और चेंज करने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडीज कहते हैं या तो गोल्गी एपरेटस कहते हैं, ओके। इसके बाद बारी आती है गोल्गी बॉडीज में ही, उसमें से ही जब हाइड्रोलेटिक टाइप हो, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलेटिक मतलब वाटर के मॉलिक्यूल की मदद से वो कोई भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं, और ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स से जो वेसिकल्स जो अलग होती है गोल्गी बॉडीज से, वो गोल्गी बॉडीज में से ऐसी वेसिकल्स को हम कहते हैं लाइसोसोम्स, ओके। एंड लास्ट एंड द कैरेक्टरिस्टिक मैंने पहले ही बताया, दिस इज कॉल्ड वैक्यूल्स। सो दीज आर द ऑर्गेनल्स व्हिच आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये सारी ऑर्गेनल्स ऐसी ऑर्गेनल्स है जिसके फंक्शंस एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अब कैसे इंटर रिलेटेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सब्सटेंस बनाएगा वो सब्सटेंस दैट कैन बी पैकेज्ड एंड ट्रांसफॉर्म इन गोल्गी बॉडी, उसका पैकेजिंग और ट्रांसफॉर्मेशन कहां पे होगा, गोल्गी बॉडीज में होगा। गोल्गी बॉडीज से जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो सेल के डाइजेशन के लिए जो वेसिकल गोल्गी बॉडी से अलग पड़ती है वो उसको लाइसोसोम कहते हैं, एंड अदर मटेरियल दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड अदर सेल्यूलर मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट स्टोर्ड इन अ पाउचेस, इन अ पैकेजेस, इन अ वेसिकल्स, द बिग वेसिकल्स दैट इज कॉल्ड वैक्यूल्स। तो ये जो चार ऑर्गेनल्स है दैट कैन बी वी इंक्लूडेड इन टू ESOs मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बाकी इसके अलावा जो भी ऑर्गेनल्स हैं उसके काम क्या है, सीधी सी बात है वो सेल डिवीजन के टाइम पे डिवाइड नहीं होती सर, वो क्या होती है सिर्फ नंबर उसके क्या हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। तो नॉट डिवाइड इट डिस्ट्रीब्यूटेड आई एम टेलिंग यू, एंड दीज ऑर्गेनल्स आर दैट टाइम दीज टू मेन ऑर्गेनल्स आर डिवाइड। तो इसमें से ये बनता है और इसके जो सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं तो वैक्यूल में स्टोर होते हैं। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, सेंट्रियोल, सो दीज टाइप ऑफ प्लास्टिड्स एंड अदर ऑर्गेनल्स, दीज आर द नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते। अब चलो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो पहली ऑर्गेनल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली ऑर्गेनल में स्टार्ट करूंगा यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। नाउ इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम लेट अस वी स्टडी फर्स्ट अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अब थोड़ा स्टडी करेंगे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग टू यू हाउ वी कैन बी डिफाइन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी फर्स्ट आई एम फर्स्ट ड्राइंग दैट
दिस इज द सिंपल डायग्राम. सो दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड यू सी दैट, आपको ऐसा पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है ना, तो इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स या तो सिस्टर्नी. सिस्टर्नी. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज एक्चुअली पोजीशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ सेल? तो हमको मालूम है दो तरह के सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल में आपको मालूम है कि प्लांट सेल में 90% वैक्यूल होती है. तो जनरली इन प्लांट सेल में क्या होता है कि 90% तो बहुत बड़ी वैक्यूल होती है. तो इसमें तो न्यूक्लियर सेंटर से होने से रहा, तो इट इज प्लेस अ साइट, एक साइट पे होगा. तो ये साइट पे होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहां होगा? ऑन अ साइट. बट वी टॉक अबाउट द एनिमल सेल. एनिमल सेल में यू नो दैट मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अ सेंटर ऑफ सेल. कहां पे होता है? सेल के सेंटर में होता है. एंड दिस सेंटर में कंटिन्यूअस ऐसा ट्यूबुलर नेटवर्क होता है. सो सपोज वी हैव टू डिफाइन और वी हैव टू टॉक अबाउट वेयर एक्चुअली द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट विद इन अ सेल. सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पे है वो समझना है तो हम सीधे सीधे क्या बताएंगे, इसको सीधा सीधा क्या कहेंगे, इज अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ अ ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी. इट्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विद इन अ साइटोप्लाज्म. अप टू सेल मेम्ब्रेन. अप टू सेल मेम्ब्रेन. सो दिस कंटिन्यूअस नेटवर्क इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि ट्यूब्यूल का नेटवर्क है, अ बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी. तो ये सिस्टर्नी का ट्यूब्यूल का नेटवर्क है और कहां से कहां है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन सेल तक क्या होता है? वो कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है. सो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, अलग अलग तरह के होते हैं. अब इसकी बात करें तो ओरिजिन तो यहां से ही होता है, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सपांशन होता है. ओके, अब इसकी बात करेंगे कि व्हाट इज इट्स एक्चुअली फंक्शन. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग द बोथ द टाइप ऑफ सरफेसेस. सर्टेन सरफेसेस हैविंग रफ एंड हैविंग रिबोसोम ऑन अ सरफेस. क्या होता है अभी? रिबोसोम ऑन अ सरफेस एंड सच अ सरफेस इज रफ. सो जो ईयर के ऊपर रिबोसोम होता है और उसकी कैसी सरफेस होती है? रफ सरफेस. तो सच अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. शॉर्टली वी कैन से RER. जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर रिबोसोम आए हो, एंड नॉर्मली दिस रिबोसोम इज नॉर्मली 70S ऑफ टाइप, एंड सच अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जहां पे रिबोसोम होते हैं तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली इट सिंथेसाइज प्रोटीन्स
कौन से प्रोटीन्स बट सेल्युलर प्रोटीन्स। जो सेल के प्रोटीन हैं वो कौन सी सरफेस पे बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन ऑल्सो एंड अदर टाइप ऑफ सेल्युलर प्रोटीन इज टू बी प्रोड्यूस बाय अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि कुछ सरफेस, देखो मैंने यहां पर ऐसा बताया है आपको कि भाई इस तरफ मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता रहा हूं, इस तरफ मैं आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता रहा हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि एक तरफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक तरफ स्मूथ। नो, जिसकी सरफेस पर, भले इस साइड हो या इस साइड हो, जिसकी सरफेस पर रिबोसोम्स होते हैं वो रफ है, क्योंकि उसकी सरफेस क्या रहती है? रफ हो जाती है, क्योंकि दानेदार होता है ना रिबोसोम्स, इट्स अ ग्रेन्यूल्स। और मैं तो अलग करने के लिए थोड़ा कर रहा हूं, और जिसकी सरफेस स्मूथ होती है विदाउट रिबोसोम, मतलब रिबोसोम एब्सेंट ऑन अ सच अ सरफेस, सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो सच अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो सेल में दोनों होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि एक साइड रफ हो गया एक साइड स्मूथ हो गया, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। मैंने तो अलग दिखाने के लिए आपको यहां पर कहा हुआ है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब हमको क्या समझना है कि वहां पर रिबोसोम सरफेस पर नहीं है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या समझना है? रिबोसोम सरफेस पे है, और जिसके ऊपर रिबोसोम है तो प्रोटीन बनाता है, वो दिमाग में रखना है। जिसकी सरफेस पर प्रोटीन नहीं है, अरे सॉरी रिबोसोम नहीं है, तो प्रोटीन भी नहीं बनाएगा स्मूथ, तो ये क्या करेगा? ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट फॉर्म लिख डालते हैं SER, एंड सच अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज, तो इसका फंक्शन क्या होता है? सिंथेसाइज लिपिड्स। तो ये क्या सिंथेसाइज करते हैं? लिपिड्स। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलर लिपिड कौन सिंथेसाइज करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एग्जाम्पल क्या देंगे? फॉस्फोलिपिड, स्टीरॉइड्स, क्योंकि स्टीरॉइड्स भी क्या है? एक तरह के लिपिड्स है, एंड दिस लिपिड्स आर सिंथेसाइज बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो अभी मैं ये सिंपली फॉर्म लिया है, थोड़ा आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हम इसका थोड़ा डिटेल वर्जन भी लेंगे। दिस इज द स्मॉल सिंपल स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हम नीट पढ़ेंगे तब इसका थोड़ा डिटेल स्टडी लेंगे, अभी टेक्स्ट जो चल रहा है उसके हिसाब से ले रहे हैं, ओके? और नीट का भी है, जस्ट अ मिनट, सी हियर, सो दिस ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके? आपको समझ में ना आए तो रिपीट करके एक बार दो बार रिवाइंड करके चेक कर ले सकते हैं, ओके? सो टू टाइप ऑफ रिबोसोम, रफ एंडोप्ला सॉरी टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ऑन अ सरफेस ऑफ रिबोसोम, दैट्स व्हाई इट्स अ रफ सरफेस, इट सिंथेसाइज प्रोटीन, स्मूथ विदाउट रिबोसोम, एंड इट्स सरफेस इज स्मूथ एंड इट सिंथेसाइज लिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड स्टीरॉइड्स, ओके? नाउ गोल्गी बॉडीज, नाउ दिस इज द सेकेंड ऑर्गेनल that included into endomembrane system, ये second organelle है जो endomembrane system में included है, that is Golgi body। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं पहले ही बता दूं, these two organelles, endoplasmic reticulum and Golgi bodies, कि when the cell division is occur, जब cell division होता है तो हम मेटाफेज पढ़ेंगे, प्रोफेज पढ़ेंगे तब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि प्रोफेज में ये दोनों ऑर्गेनल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी, ये दोनों क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर्स हो जाते हैं, एंड एट द लास्ट फेज प्रोफेज मेटा एना एंड टीलो, टीलो में ये दोनों क्या हो जाते हैं? न्यूक्लियस के साथ रीअपीयर हो जाते हैं।
तो ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन उसी टाइम पे डिवाइड होते हैं, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन उसी टाइम पे डिवाइड होते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वो क्या होते हैं, इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उनका डिवीजन इन सेल डिवीजन के साथ कोई लेन देन उसका होता नहीं। नाउ गोल्गी बॉडीज, उसके बारे में कुछ फैक्ट, अभी थोड़ा हिस्टोरिकल स्ट्रक्चराइजेशन हम देखते हैं कि कैमिलो गोल्गी इन ईयर 1898, इसका रिसर्च कैसे हुआ, पहले तो इसके फंक्शन में कुछ इतना खास मालूम नहीं था साइंटिस्ट को, बट आफ्टर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देन आफ्टर व्हाट एक्चुअली गोल्गी बॉडीज फंक्शन इन अ सेल वो ढूंढा गया। लेकिन पहला जो गोल्गी बॉडीज को डिस्कवर्ड किया है तो इन ईयर 1898 द कैमिलो गोल्गी डिस्कवर्स गोल्गी बॉडी। और कैमिलो गोल्गी के नाम पे ही उसको क्या कहा गया, गोल्गी अपरेटस या तो गोल्गी बॉडी कहा गया। अब थोड़ा रोचक तथ्य है तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा स्टडी में देख लेते हैं। एक्चुअली कैमिलो गोल्गी स्टडी ऑन नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स ऑफ आउल, कि वो किसके ऊपर स्टडी कर रहा था, स्टडी ऑन न्यूरॉन्स ऑफ आउल उसके ऊपर स्टडी कर रहा था। एंड न्यूली फाइंड जो स्टेन था, कौन से स्टेन के ऊपर काम कर रहा था, स्टेन मतलब एक तरह के अभिरंजक होते हैं, अभिरंजक क्या होता है, स्टेन्स क्या होता है, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ डाई विच आर यूज्ड टू लोकलाइज द डिफरेंट सेल, के जैसे हम कपड़ों को नील करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, कोई ब्लू थोड़ी हो जाता है, उसमें थोड़ा क्या आ जाता है, तेजपन आ जाता है। लेकिन ये ऐसी डाइज है जो कुछ सेल को वो उसकी सरफेस एब्जॉर्ब करती है तो वो अलग लोकलाइज होते हैं, तो ऐसे जो डाइज यूज होते हैं उसको स्टेन कहा जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मिथिलीन ब्लू जनरली यूज फॉर एनिमल सेल एंड सेफ्रेनिन इज यूज फॉर प्लांट सेल, ये बेसिक स्टेन है, उसके अलावा तो बहुत सारे स्टेन आते हैं। तो जनरली ऐसे ही एक स्टेन है जिसको खास करके कैमिलो गोल्गी ने बनाया था, किसके ऊपर स्टडी करने के लिए, न्यूरॉन्स ऑफ ओल के, और ये स्टेन था AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, एंड ही लोकलाइज ही वॉज लोकलाइज्ड, उसने क्या लोकलाइज्ड किया कि लोकलाइज किया स्टैक पाइल न्यूक्लियस के आसपास सेल के अंदर, उसको क्या मिला, ऐसा स्टैक पाइल। स्टैक पाइल का मतलब क्या होता है, सपोज कॉइन रखते हैं तो कॉइन जब 10-15 कॉइन एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो किसका स्टैक पाइल बनता है, स्टैक पाइल मतलब थप्पी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हिंदी में भी थप्पी कहते हैं, गुजराती में थप्पी कहते हैं, थप्पी का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक रखते हैं। तो वैसे ही ये जो सिस्टरनी है उसका एक स्टैक पाइल उसको देखने को मिला, एंड उसने नाम उसका दिया गोल्गी बॉडी। तो इसका स्ट्रक्चर भी हम समझ लेते हैं कि गोल्गी बॉडी में जनरली इन प्लांट सेल गोल्गी बॉडीज जनरली क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो गोल्गी बॉडीज आर लार्जर एंड दैट इज नोन एज, ये दिमाग में रखना, इसको कहा जाता है डिक्टियोजोम्स, इसको क्या कहा जाता है, डिक्टियोजोम्स। जनरली एनिमल सेल में उसको गोल्गी बॉडी ही कहा जाता है, लेकिन प्लांट सेल में दीज आर गोल्गी बॉडीज आर लार्जर, सो इट इज कॉल्ड डिक्टियोजोम्स। दैट पॉइंट कुड बी, आप लिख लेना वो पॉइंट को, कुड बी राइट इन योर नोटबुक्स,
तो प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को कहा जाता है डिक्टियोसोम्स। तो इन ईयर 1898 फर्स्ट डिस्कवर कैमिलो गोल्गी, उल्लू के जो न्यूरॉन्स है उसके ऊपर स्टडी कर रहा था। स्टेन कौन सा यूज किया उन्होंने, AgNO3, एंड ही फाइंड द स्टैक पाइल। एक स्टैक पाइल मतलब ट्यूब्यूल का थप्पी जैसा, तो उन्होंने नाम उसका क्या दिया, गोल्गी बॉडी। जनरली दूसरे सेल में उसको गोल्गी बॉडी कहा जाता है, लेकिन प्लांट सेल में वो बड़े होते हैं तो उसको कहा जाता है डिक्टियोसोम। सो लेट अस वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी एंड इट्स फंक्शन। नाउ लेट अस वी अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी जब भी आप स्ट्रक्चर में देखोगे, देन यू फाइंड अ ट्यूब्यूल्स। जनरली 4 to 8 ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चराइजेशन होता है, स्टैक पाइल होता है। कितनी ट्यूब्यूल्स होती है, 4 to 8 सॉरी। एंड दिस ट्यूब्यूल इज नोन एज सिस्टर्नी। ये छोटी सी ट्यूब्यूल को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। ऐसी सिस्टर्नी जनरली 1, 2, 3, 4 या तो 8 के स्टैक पाइल में होते हैं। एंड दिस इज अराउंड 0.5 to 0.1 माइक्रोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 0.5 to 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये छोटी छोटी ट्यूब्स है जिसकी साइज क्या रहती है, 0.5 to 0.1 माइक्रोमीटर। एंड दिस सिस्टर्नी के जो एंड में, उसके एंड में जो रहता है अ राउंड और एबलोंग, राउंड और एबलोंग एंड पे राउंड या तो एबलोंग छोटी छोटी वेसिकल्स रहती है। सो दिस इज कॉल्ड वेसिकल्स। जो वेसिकल्स है, दीज आर द स्मॉल राउंड और एबलोंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेसिकल्स। अब दोनों का अभी हम पहले जो सिस्टर्नी है ट्यूब्यूल उसका फंक्शन, उसके पार्ट देखते हैं, फिर वेसिकल क्या काम करती है उसके बारे में देखते हैं। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी के दो फेज होते हैं। जो फेस कॉन्वेक्स है, जो कॉन्वेक्स सरफेस है, दैट फेज कॉल्ड सीस फेज। इसको हम कौन सा फेस बोलेंगे, सीस फेस बोलेंगे। ये मैच्योर नहीं होता है। जो कॉनकेव है, जो कॉनकेव फेस, एंड दिस फेस इज कॉल्ड ट्रांस फेस। दिस फेस इज कॉल्ड ट्रांस फेस। ओके, तो मतलब जो सरफेस कॉनवेक्स है उसको सीस फेस बोला जाएगा, जो कॉनकेव सरफेस है नीचे वाली उसको कहेंगे ट्रांस फेस। अब ये दोनों फेस का काम क्या है, सीधी सी बात है, इट इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो किसके आसपास होता है, जनरली द लोकेशन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज नियरर टू ईयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके नजदीक होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक होते हैं। और इसकी दो सरफेस है, जो ऊपर की सरफेस है उसको सीस सरफेस बोला जाता है, जो मैच्योर नहीं होती है। नीचे की सरफेस जो ट्रांस है, इट्स अ मैच्योर सरफेस। अब सर यहां पे ये समझना है कि सीस को मैच्योर क्यों नहीं कहा जाता, ट्रांस को क्यों कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि ये सरफेस से जो भी सब्सटेंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सब्सटेंस आते हैं, दैट कैन बी, पहले तो दोनों में से ये सब्सटेंस किसके अंदर जाते हैं, ट्यूब्यूल के अंदर जाते हैं, क्योंकि ये दोनों फेस हैं, तो इसके अंदर पास होके किसके अंदर जाएंगे, ट्यूब्यूल के अंदर जाएंगे। तो जनरल ये सरफेस डायरेक्टली किसके संपर्क में रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संपर्क में रहता है।
तो मतलब कि जो सब्सटेंस है उसकी एंट्री लगभग सिस्ट फेस से होती है, और इसमें जो चेंज होता है, जो सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं उसका पैकेजिंग क्या होता है, द सब्सटेंस फ्रॉम ईआर पैकेजेस एंड ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन, वो कहां पे होना है, सिस्टर्नी में होता है। तो जनरली सीस फेस सीधा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संपर्क में आता है, तो सब्सटेंस यहां पर ऐड होते जो वो क्या होते हैं उसमें पैकेज्ड या तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो रिलीज कहां से होते हैं, सेल के अंदर ट्रांसफेस से होते हैं, इसलिए ट्रांसफेस को क्या कहा गया है, मैच्योर कहा गया है। तो अब फिर से बता दूं, जो कॉन्वेक्स सरफेस है उसको सीस फेस बोला जाता है, जो कॉनकेव सरफेस है उसको ट्रांस, और ट्रांस को मैच्योर क्यों कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो सब्सटेंसेस है सेल जो साइटोप्लाज्म में या तो गोल वेसिकल्स के अंदर स्टोर होने हैं, पैकेज होना है, वो किस सरफेस से होता है, ट्रांस से। दैट्स व्हाई ट्रांस इज कॉल्ड मैच्योर सरफेस, दैट यू अंडरस्टैंड। अब ये तो बात हो गई, तो फंक्शन भी हमको पता चल गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सब्सटेंस आते हैं, मतलब कि द सब्सटेंस इज मूव्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट कैन बी पैकेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू बी अकर इन अ गोल्गी बॉडी। तो ये तो फंक्शन हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। अब इसके दो फेस है, सीस एंड ट्रांस है। ट्रांस क्या है, मैच्योर है। नॉर्मली सीस फेस से कोई भी सब्सटेंस एंट्री लेता है, और नॉर्मली ट्रांस फेस से लगभग कोई भी सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होके साइटोप्लाज्म में जाता है, ओके? और जो सब्सटेंस स्टोर होते हैं वो कहां पे स्टोर होते हैं, दैट स्टोर इनटू द वेसिकल्स। तो पैकेज भी हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया, कि जो सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहां पर आते हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और पैकेजिंग होगा, गेटिंग? तो ये फंक्शन किसका है, गोल्गी बॉडीज का है। नॉर्मली इसके अलावा दो ऐसे सब्सटेंसेस है जिसका यह एक्टिव साइट है। तो फंक्शन में पहला फंक्शन तो आपको पता है, पैकेजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके? सेकंड इज अ एक्टिव साइट फॉर, एक्टिव साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ गोल ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो यहां पे क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड जो है, जो किसका स्ट्रक्चराइजेशन में है, देखो फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोप्रोटीन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड वो कहां पे ट्रांसफॉर्म होगा, कहां पे बनेगा, गोल्गी बॉडी में, याद रखना ये। और ये दोनों किसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है, किसके, सेल मेम्ब्रेन जिसका बना होता है ना, ये कंपोनेंट ये वाले, गेटिंग? सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडीज।